सबसे पहले बात पाकिस्तान की करेंगे मीनाक्षी, क्योंकि आतंकियों के सरपरस्त पाकिस्तान का भारत और दुनिया ने दाना पानी बंद कर दिया है। कारोबार पर रोक के बाद भारत ने नदियों से अपने हिस्से के पानी को रोकने का फैसला किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज तक संवाददाता अशोक सिंघल से खास बातचीत में कहा कि सख्त कदम आगे भी उठाए जाएंगे। भारत ने पाकिस्तान को एक और झटका दिया है। इस बार भारत ने जो पाकिस्तान अपने हिस्से का पानी जाता था उसको रोक दिया है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब। गडकरी साहब, जो पानी पाकिस्तान को जाता था वो रोक दिया है, तो कैसे ये किया है डिसीजन और किसका क्या इम्प्लीकेशन होंगे? देखिए, पहले बात तो ऐसी है कि 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान जी के बीच में इंडस एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट के हिसाब से हमारे यहाँ 6 नदियाँ हैं, 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को मिला और तीन नदियों का पानी हमको मिला। हमारे अधिकार का पानी जो है, टोटल पानी जो अवेलेबल है रावी, सतलज और ब्यास में, वो 33 मिलियन MF, ये हमारे अधिकार का पानी था। इसमें से अभी केवल 31 MF हम यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हमने 3 डैम की योजना बनाई है। वो 3 डैम में विशेष रूप से एक जो है कौन सा शाहपुर कंडी, और तीसरा और सेकंड रवि बैस लिंक, ये तीनों के द्वारा ये पानी पहले हम लोग कश्मीर में बनाएंगे, तो कश्मीर में इसका अधिकार रहेगा। और उनके बाद वो अगर पानी यूज़ नहीं कर सके तो, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है, वो पानी फिर हम पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक ले आएंगे। ये पाकिस्तान जाने से रोका गया है ये पानी? बिल्कुल, हमारे अधिकार का पानी है, ये रोका गया है। और पाकिस्तान के हमारे संबंध जो है, जो ये टिटी हुई थी उसके बारे में भी इस प्रकार की स्थिति है कि हम ये तो पानी हम हमारे अधिकार का ले रहे हैं, पर पाकिस्तानी ये टिटी करते समय दो देशों के बीच में सौहार्द रहेगा, प्रेम रहेगा और दोनों के बीच में भाईचारा रहेगा, ये सब बातें करके ये एग्रीमेंट हुआ है जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच में। अगर पाकिस्तान हमारे देश में आकर अगर इस प्रकार से निरपराध लोगों की हत्या करेगा, आतंकवादियों को मदद करेगा और आतंकवादियों का इस प्रकार का जो हादसे हुए अगर होते रहेंगे तो फिर सौहार्द कहाँ रहा? तो फिर भारत को भी लोग मांग कर रहे हैं कि इनका पानी नदियों का यही बंद कर दो, पूरा ले लो यहाँ। तो ये जो अभी तो इस प्रकार का कोई निर्णय हुआ नहीं है, जो अधिकार का पानी है उतना हम लोग ले रहे हैं, पर जिस प्रकार से पाकिस्तान इसी प्रकार का बिहेव करता रहेगा और सौहार्द और हमारे पारिवारिक संबंध और अच्छे संबंध, ये जो बात कही गई थी वो अगर नहीं रहेगी तो एक समय हिंदुस्तान की भी ये रिएक्शन हो सकती है। ये पाकिस्तान ने याद रखना चाहिए, अगर पाकिस्तान हमारे देश से गए हुए पानी से अगर उनके विकास के लिए, पीने के लिए, खेती के लिए पानी मिलता है, ये अच्छे संबंध है, इसलिए हम जाने देते हैं, इसलिए हमने उनके साथ अवार्ड किया। पर अगर इसी प्रकार का उनका बिहेवियर रहेगा तो मुझे लगता है देश के लोगों की भी भावना काफ़ी तीव्र हुई है। तो पानी बूंद बूंद को तरसेगा पीने के लिए पाकिस्तान? देखो, अभी तक जो हमारे अधिकार का पानी है वही पानी का उपयोग करके हम लोग कर रहे हैं। जो करार में उनको पानी दे रहे उस पानी को हमने हाथ लगाया नहीं है। अब इसके बाद अगर उनका बर्ताव और व्यवहार ऐसा रहेगा, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट हुआ था ये दोनों देश के बीच में सौहार्द, प्रेम, सद्भाव, अयूब खान जी का और जवाहरलाल नेहरू को तोड़ सकते हैं, बाकी पानी को भी रोक सकते हैं आप लोग? नहीं, अगर पाकिस्तान उस भाव को ही अगर नष्ट कर देगा तो भारत में भी ये प्रतिक्रिया आ रही है कि फिर इनको क्यों देना चाहिए पानी। अभी तक इसका कोई निर्णय नहीं हुआ है, निर्णय तो हमारे अधिकार का जितना पानी उसको हुआ, पर देश में बहुत बड़े प्रमाण पर जनक्षोभ आ रहा है कि अगर इसी प्रकार का व्यवहार करेंगे तो इनको मदद करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा नितिन जी? देखिए, इसको इम्प्लीमेंट हो सकता है, इसके लिए हमको कैनाल बनाने पड़ेंगे, पाइपलाइन से पानी लाना पड़ेगा, डैम बनाने पड़ेंगे कुछ जगह पर और बैरेजेस बनाने पड़ेंगे, और ये हम लोग उसका प्लान तैयार कर चुके हैं, सब प्लान हमारे पास तैयार है और इसका निर्णय हाईएस्ट लेवल पर होगा। पर पाकिस्तान अगर ऐसे ही करता रहेगा तो ये स्वाभाविक रूप से सभी भारतीयों के मन में भावना है कि ये इस प्रकार से करेंगे तो इसका भी जवाब हिंदुस्तान ने देना चाहिए। अभी तक सरकारी स्तर पर इसका निर्णय नहीं हुआ, पर सरकार में रहे हुए सभी लोगों के मन की भावना बहुत तीव्र है, पूरा पानी रोका जाना चाहिए, इस बात में बहुत तीव्र है। पाकिस्तान ने अपनी इस बात को समझकर अपना बिहेवियर सुधारना चाहिए। अगर वो बिहेवियर सुधारते नहीं, आतंकवाद को सपोर्ट करते रहेंगे, आतंकवादियों को भेजते रहेंगे, कश्मीर में जिस प्रकार से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की जिस प्रकार से उन्होंने हादसा किया, घटना की है, ऐसी घटनाएं होती रहेगी तो निश्चित रूप से पाकिस्तान को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। वहाँ के डिप्टी कमिश्नर पाकिस्तान के इंडस वाटर्स के हैं, उन्होंने कहा ये इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, खाली धमकी है नितिन गडकरी की। देखिए,
आप तो जानते हैं कि अगर एक बार हम तय करेंगे तो इकोनॉमिक वायबिलिटी है कि नहीं है ये नहीं सोचेंगे। हम लोग भी नए नए टेक्नोलॉजी का उपयोग करना जानते हैं, अभी हम कैनॉल के बजाय पाइपलाइन को यूज़ कर रहे हैं, और हम लोग अगर ये इसी प्रकार का बर्ताव करेंगे तो निश्चित रूप से पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति रखना या नहीं रखना इसका गंभीरता से सोचना। कांग्रेस ने एक सप्ताह तक समर्थन दिया सरकार को इस पूरे घटना को लेकर के, लेकिन अब वो सवाल उठा रही है सरकार के व्यवहार को लेकर के, प्रधानमंत्री को लेकर के। बहुत बार कह चुका हूँ, देश का प्रधानमंत्री कोई बीजेपी का नहीं है, प्रधानमंत्री देश के हैं, उनके प्रति मान सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ बोलना चाहिए। जिस प्रकार का भाषा का उपयोग किया जाता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और देश में जब संकट है सुरक्षा के दृष्टि से, ऐसे समय आज तक की प्रथा परंपरा यही रही कि सभी पार्टी एक मिलकर प्रधानमंत्री के समर्थन में खड़े रहते हैं और देश के साथ खड़े होते हैं। मुझे लगता है ऐसे विषयों का इस प्रकार से राजनीतिकरण ये निश्चित अच्छा नहीं है, देश की जनता इसको पसंद नहीं करती, ये दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। कैमरामैन सतविंदर के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।